गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू जी आर एस टेक्निकल तो कैसे हो आप सब आज के इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास ट्वेल्थ चैप्टर नंबर ट्वेल्व जो कि है हमारा बायो टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन आज के इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को कवर अप करेंगे एंड होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी और वीडियो हेल्पफुल होती हो तो इस वीडियो को आप सभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एन सी आर टी से सारे जो नोट्स होते हैं पॉइंट्स में आपको बताऊंगी जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर अप हो जाएगा ये चैप्टर और अगर आपसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा चाहे वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हो या नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल अच्छे से लिख पाओगे तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पे कि ब्लू रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड बाय डॉक्टर हीरा चौधरी इन ईयर नाइनटीन बट फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन इज अरुण कृष्णन देखिए ब्लू रेवोल्यूशन जो है उसे स्टार्ट किया गया था डॉक्टर हीरालाल चौधरी के द्वारा कौन से ईयर में तो 1957 में ठीक है और फादर ऑफ जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो कौन है अरुण कृष्णन है ठीक है पॉइंट नंबर टू है हमारा फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है तो नॉर्मन बोर्गलाउग है ठीक है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ठीक है फादर ऑफ आपसे पूछा जाएगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है तो आपको लिखना होगा नॉर्मन बॉर्डलॉग फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन कौन है तो अरुण कृष्णन है फादर ऑफ़ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है इंडिया में तो एम एस स्वामीनाथन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो भी आपसे पूछा जा सकता है या अगर आप किसी चीज़ का एग्जामिनेशन दे रहे हैं अदर देन नीट तो भी आपसे ये पूछा जा सकता है अगर आप बी भी करोगे ना तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गीज कुरियन इज अ फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन कौन है तो सैम पिट्रोडा फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन कौन है तो दुर्गेश पटेल है ठीक है अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि पिंक रेवोल्यूशन जो है उसका रीज़न क्या था तो देखिए पिंक पिंक रे, रेवोल्यूशन जो है उसका जो रीज़न था कि नेचुरल मिनरल एंड वाइटमिनस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल जैसे कि जो नेचुरल मिनरल्स होते हैं विटमिनस होते हैं ये बहुत ही अपने सोर्स के लिए अपने इन्वायमेंट के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो इसलिए जो है पिंक रेवोल्यूशन हुआ था अब ग्रीन ग्रे रेवोल्यूशन क्यों हुआ था तो ये इंक्रीज फर्टिलाइजेशन प्रोडक्शन ठीक है फर्टिलाइजेश का प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होना चाहिए इस वजह से ग्रे रेवोल्यूशन हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन आप सभी लोग जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्यों हुआ था टू प्रोटेक्ट प्लांट्स प्लांट्स को बचाने के लिए जो है ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था ठीक है ब्लू रेवोल्यूशन आप सभी लोग जानते हो फिशेज एंड स्पाइसी कल्चर के लिए हुआ था येलो रेवोल्यूशन क्यों हुआ था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ ऑयल सीड्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सॉइल ठीक है व्हाइट